हाउ टेक जायंट्स मेक यू अ फोन एडिक्ट। तो आज वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% लोग इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपके फ़ोन में इतने सारे ऐप्स होने के बावजूद भी सिर्फ आप गिने चुने ऐप्स में ही क्यों जाते हो, जैसे कि FB, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ऐसे ही ऐप्स को आप क्यों बार बार खोलते रहते हो? क्या आपने कभी सोचा है? जाहिर सी बात है, आपके पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं है। खैर, हम लोग को ये सिखाया गया था कि सोशल मीडियाज बनाए गए हैं लोगों के साथ लोगों को कनेक्ट करने के लिए, पर कड़वा सच हमेशा कड़वा ही होता है। ये ऐप्स को बनाया गया था ताकि आपको मैनिपुलेट किया जा सके और आपका टाइम आपसे कंज्यूम करवाया जा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फेसबुक, जो कि सबसे सक्सेसफुल सोशल मीडिया में से एक है, उनका वाइस प्रेसिडेंट का कहना है, और आप खुद ही देख लीजिए। Thought process that went into building these applications, Facebook being the first of them to really understand it, that thought process was all about how do we consume as much of your time and conscious attention as possible. खैर, ये तो साबित हो गया कि ये ऐप्स लोगों को लिंक करवाने के लिए नहीं बल्कि लोगों से उनका समय छीनने के लिए बनाए गए थे। पर एक सवाल फिर भी रह जाता है कि ये ऐप्स में ही ऐसा क्या है कि हम लोग अपना सारा टाइम इन पे बिता देते हैं? आप खुद से एक बात सोचिए, आप अगर इंटरनेट के टाइमलाइन में जाएं तो आपको ये ज़रूर दिखेगा कि फेसबुक जो है वो लॉन्च हुआ था 2004 में और पॉपुलर होते होते सालों लग गए। उसके पहले भी इंटरनेट था और बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग ऐप्स भी मौजूद थे, पर फेसबुक में ऐसा क्या खास बात है कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया? क्यों उसको ही किंग ऑफ सोशल मीडिया वर्ल्ड कहा जाता है? इस सवाल का यही जवाब है कि फेसबुक और बाकी सारे जितने भी टेक कंपनियां हैं, टेक जायंट्स हैं, वो हमारे ह्यूमन डोपामिन का मिसयूज़ कर रहे हैं, जिनका आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। अब ये डोपामिन क्या है? डोपामिन एक्चुअली एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स के ज़रिए रिलीज़ होता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आपका ब्रेन में ये डोपामिन रिलीज़ होता है तो आपको एक प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का फीलिंग मिलता है। और ये डोपामिन कब रिलीज़ होता है? ये डोपामिन तब रिलीज़ होता है जब एक पर्सन खुद से कोई ड्रग या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर ले। और जब एक पर्सन ड्रग्स या अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके ब्रेन में बहुत भारी मात्रा में डोपामिन रिलीज़ होता है, और ये डोपामिन जब रिलीज़ होता है तो बहुत भारी मात्रा में एक प्लेजर और सेटिस्फैक्शन का फीलिंग आ जाता है उस पर्सन के अंदर। और ये डोपामिन ही वही चीज़ है जो कि उसको बार बार मोटिवेट करता है एक और बार उस अल्कोहल को ट्राई करने के लिए। ऐसे ही तरीके से वो पर्सन दो बार ट्राई करता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, ऐसे करते करते अल्टीमेटली वो पर्सन एक ड्रग एडिक्ट बन जाता है। पर सवाल ये आता है कि डोपामिन अल्कोहल से रिलीज़ होता है तो इसका सोशल नेटवर्किंग साइट और टेक कंपनीज के साथ क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, और बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब ये मैं नहीं प्रूफ करूँगा, ये ऑलरेडी कुछ इंटरव्यूज़ में फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट खुद बोल चुके हैं कि ये सोशल मीडिया ऐप्स अपने यूज़र्स को टाइम टू टाइम एक डोपामिन हिट देते रहते हैं ताकि उनको उसकी लत लग जाए। We need to sort of give you a little dopamine hit every once in a while. मुद्दे की बात ये है कि कैसे ये ऐप्स आपको एक सोशल मीडिया एडिक्ट बना रहे हैं। इसके लिए हम लोगों को डोपामिन ट्रिगर कैसे होता है ह्यूमन बॉडी में, उसको जानना पड़ेगा। साल 1980 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में मौजूद एक प्रोफेसर जिनका नाम वुल्फ्राम स्कल्स है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये जानने के लिए कि कौन कौन से वो साइकोलॉजिकल कंडीशंस है जिसके लिए ह्यूमन डोपामिन रिलीज इनिशियलाइज किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया था कि जब एक पर्सन कोई भी काम पूरा करता है और उसको करने के बाद उसको एक रिवार्ड मिल जाता है तो उसके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और आपको भी वही सेम फीलिंग मिलता है जो कि अल्कोहल या फिर ड्रग्स कंज्यूम करने से मिलता होगा। यहाँ पर हम लोग बेसिकली कह सकते हैं कि ड्रग्स लेने से या फिर रिवार्ड्स लेने से दोनों के टाइम पे सेम टू सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। और ये सोशल मीडिया ऐप्स इन्हीं थ्योरीज को जानने के बाद जानबूझ के अपने ऐप्स में लाइक, शेयर, कमेंट और व्यूज़ का ऑप्शन देते हैं ताकि आपके डोपामिन को इजीली एक्सप्लॉइट किया जा सके। जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम में कोई भी फोटो पोस्ट करते हो उसमें जब लाइक्स और कमेंट्स आते हैं आपको एक रिवॉर्ड मिलने का एहसास होता है। इसके लिए आप बार बार अपने पोस्ट पे लाइक्स और कमेंट्स गिनते रहते हो, पर कुछ दिन बाद वो पोस्ट पुराना हो जाता है और जाहिर सी बात है कि लाइक्स आना भी बंद हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप और एक पोस्ट करते हो और वो पोस्ट में फिर से वो लाइक, कमेंट, शेयर का गेम चालू हो जाता है, और ऐसे करते करते आप एक डोपामिन ड्रिवन लूप में बुरी तरीके से फंस जाते हो। The short-term dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation, misinformation,
mistruth. And it's not an American problem. This is not about Russian ads. This is a global problem. एक टाइम ऐसा आ जाता है कि आप इतने एडिक्टेड बन जाते हो इन लाइक्स और व्यूज़ के लिए कि अगर आपको लड़की बन के नाचना भी पड़े ऑन स्क्रीन तो आप उसमें भी पीछे नहीं हटोगे. यस, यू गेस्ट इट करेक्ट, मैं किस ऐप की बात कर रहा हूँ. ये जितने भी टेक कंपनीज हैं वो अपना बिजनेस रन करने के लिए और आपको अपने ऐप्स से बांधे रखने के लिए ऐसे कोडिंग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते. कैलिफोर्निया में रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम है रैमसे ब्राउन, ये एक न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट है और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी है. और इनका ये कहना है कि अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ठीक से पता हो ह्यूमन ब्रेन के बारे में तो वो अपना कोडिंग स्किल यूज़ करके एक ऐसा ऐप डेवलप कर सकता है जिससे कोई भी ह्यूमन को एक एडिक्ट बना दिया जा सकता है. और ये जो पर्सन है इनका खुद का एक कंपनी है जिसका नाम है डोपामिन लैब्स. और ये डोपामिन लैब्स आप जानते हो क्या करता है? ये डोपामिन लैब आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं फेसबुक के अंडर में उन सभी का कोडिंग प्रोवाइड करता है. बेसिकली ये बैकबोन है इंस्टाग्राम. और ये इंस्टाग्राम के बारे में ये भी बोलते हैं कि उसका एल्गोरिथम ऐसे फिट किया गया है उनके कंपनी के द्वारा कि आपके पोस्ट में जितने भी लाइक्स हैं वो सब कलेक्ट हो जाते हैं पहले और उसका एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि कब आपको उन सारे लाइक्स का डिटेल्स देना चाहिए. इसका बेनिफिट यही होता है कि जब आप इंस्टाग्राम खोल के देखते हो आपका पोस्ट में एक साथ 30 लाइक आ चुके हैं तो वो एक भारी मात्रा में एक डोपामिन हिट सेट कर देता है आपके ब्रेन में. और इसके लिए आप बार बार इंस्टाग्राम खोलते रहते हो और चेक करते रहते हो कि कितना लाइक्स आया है. और ये भी एक मेन रीज़न है जिसके लिए आप ज़्यादा इंस्टाग्राम खोलते हो, फेसबुक उतना नहीं खोलते. तो खैर, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर इस वीडियो में बात किया बड़े बड़े सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में, पर आप ये मान के चल सकते हैं कि ये सब ट्रिक्स सारे टेक्नोलॉजी कंपनियाँ यूज़ कर रहे हैं आज के दिनों में. खैर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक मार दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं. अगर आप नए हो इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसीडर कीजिए. और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इस वीडियो के बारे में तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.